अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये गणेश विसर्जन के दिन का है व्लॉग। और यहाँ पर हमारे इधर कैसे गणेश विसर्जन होता है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब मिरौनुक कैसी होती है बच्चों को दिखाने के लिए हम लोग चले गए थे। और अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी पे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे जाते जाते। यहाँ पे राजारामपुरी में थोड़ा सा रुके थे क्योंकि यहाँ पे आशाज़ बोल के एक वड़ा पाव है, बॉम्बे वड़ा जो मिलता है छोटे साइज का, वो मुझे बहुत पसंद है यहाँ का, क्योंकि बेस्ट उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता और हाइजीनिक रहता है, क्लीन एंड नीट रहता है सब। तो बहुत मुझे यहाँ का पसंद है, इसलिए हम लोग कभी भी यहाँ से अगर जाते हैं ना, मतलब इस एरिया के पास से गुजरते हैं ना, तो मैं हमेशा यहाँ पर रुकती हूँ वड़ा पाव खाने के लिए। और बहुत टेस्टी और स्पाइसी रहता है और मुझे स्पाइसी ही चीज़ें ज़्यादातर पसंद हैं। और अभी यहाँ पे सीरत बोल रही थी थोड़ा सा मेरे को तीखा लग रहा है, तो उसके लिए सॉस लाने के लिए ये गए थे वहाँ पे। ये देखो आगे जा रहे हैं सहर को लेकर, और सीरत को मैंने पकड़ा हुआ है। और 2 मिनट यहाँ पर रुके थे हम लोग और देख रहे थे स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। देखो ऐसा सब रहता है कोल्हापुर में। और आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊँगी। मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर हम लोग बच्चों को लेकर गए थे और बाद में फिर हम लोग को घर पर छोड़कर ये थोड़ा देर गए थे, क्योंकि इनका एक फ्रेंड है ना वो पुलिस है, तो उसने बुलाया था इनको, तो ये चले गए थे। और ये जो है ना, इसको डीजे ऑपरेटर है ये, इसको भारगांव से एक यहाँ पे मंडल है उन्होंने मतलब हायर किया था। और पूरा होने के बाद जो यहाँ के कोल्हापुर के पुलिस लोग डांस करते हैं ना, वो वर्ल्ड में किधर भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा नज़ारा है ना आपको कोल्हापुर के अलावा किधर भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। पूरे 36 तास मतलब जो 36 घंटे रहते ना, 36 आवर्स के बाद में पुलिस लोग पूरे फ्री हो गए थे। ये जो बंदोबस्त वगैरह रहता है ना विसर्जन का, उसमें से तो लास्ट का जो मंडल रहता है, लास्ट का जो मतलब गणपति पानी में जाता है जिस मंडल का, वो जाने के टाइम पे ना पूरे जितने भी पुलिस लोग यहाँ पे रहते ना बंदोबस्त के टाइम पे, लेडीज रहो मतलब जेंट्स रहो कोई भी रहो, सब इतना डांस करते हैं ना, मतलब जितना वो साल भर में एंजॉय नहीं करते रहेंगे ना, उतना वो यहाँ पे डांस करते हैं। तो आप आगे देख लेना, इसमें इनका फ्रेंड भी है मैं। और ये जो सब शूटिंग था ना, ये इन्होंने किया था, इसलिए इन्होंने जितना जितना शूट किया था उतना मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। रात के ज़्यादातर इन्होंने क्लिप नहीं मतलब ये किए, क्योंकि इतनी मतलब रश थी ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और इतना मतलब इतना लोग है ना, मतलब एक समंदर की जो लाट रहते ना, जो लहर रहते ना, वैसे ऐसे लोग जा रहे थे, मतलब इतना रश था। क्योंकि 2 साल के बाद में, कोरोना के बाद में भी, अब भी मतलब ये चालू हुआ है ना, इसके लिए बहुत यानी बहुत ही रश थी, बहुत यानी बहुत मतलब आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकती, बहुत रश थी। इसलिए हम लोग वैसे ही 1 घंटे पर में वापस आ गए, तो ये रुके थे, तो इन्होंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो इन्होंने जितना शूट किया मैं उतना आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और आगे मैं इनका फ्रेंड भी आप लोगों को बताती हूँ, आगे है वो। और पुलिस लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो भी कंटालते हैं ना, तो आगे वो एंजॉय करते। ये देखो जो वो बैठा है ना और डांस कर रहा है ना, वो कंधे के ऊपर बीच में वो झंडे वाले के पास मतलब है ना, वो वहाँ पे वो जो वो इनका फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड मतलब बचपन का एकदम फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, बचपन मतलब एक साथ में ही उनका बीता है। तो वो है, उसका नाम इनको ही शायद मालूम है, मुझे मालूम नहीं। तो वो उन्होंने इनको बुलाया था इसलिए ये चले गए। तो ये मतलब हर साल जाते ही है थोड़ा मतलब एंजॉय करने के लिए, थोड़ा तो एंजॉय लाइफ में मतलब चाहिए ही चाहिए। और देखो कितना एंजॉय कर रहे थे।